यहाँ से हमारा बेस बन चुका था टीओसी के लिए तो अब हम लोग टीओसी में शिफ्ट हो रहे हैं और एक एक करके मैं यहाँ पे आपके साथ बातें करूंगा ठीक है तो मैंने ना प्रॉपर पॉइंट्स लिख लिए हैं ताकि मैं एक प्रॉपर सीक्वेंस में आपको चीजें समझा सकूँ टाइम दे दूंगा आराम से इसको नोट डाउन कर लेना बट साथ साथ मैं चीजों को प्रूव करता जाऊंगा ठीक है और जिस सीक्वेंस में मैं चलूंगा बिल्कुल उस सीक्वेंस में चलोगे तो आपको ये टॉपिक बहुत ईजी लगेगा डेड इजी लगेगा आराम से समझ जाओगे अगर आप थोड़ा सा इधर उधर हो गए तो दिक्कत हो जाएगी ठीक है मैं बिल्कुल जैसे मैं आपको मैसेज समझाता हूँ मैं एक स्टेप आगे बढ़ूंगा और आपको अपने साथ लेवल पे ले आऊंगा फिर एक स्टेप और आगे बढ़ूंगा और आपको अपने लेवल पे ले आऊंगा ऐसे ऐसे चल के हम लोग धीरे धीरे जमीन से उठेंगे और पूरा ऊपर तक आने की कोशिश करेंगे ठीक है आराम आराम से चलना बस ठीक है तो मैं अब आपको सबसे पहले कुछ कुछ बेसिक पॉइंट क्लियर करता हूँ जिसे सपोज कर लो सिग्मा है हमारे पास ए कोमा बी ठीक है और मैं अब आपको कहता हूँ सिग्मा स्टार मेरे को जरा बताओ क्या होगा सिग्मा स्टार आप तो मेरे को बताओगे कि नल ए ए ए ए ए बी आ आ आ आ बी 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 डॉट 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 अप टू है ना सिग्मा स्टार इज इनफाइनाइट सेट नाउ एक क्वेश्चन आपके मन में आएगा क्योंकि हम काउंटेबल अनकाउंटेबल कर चुके हैं तो आपके मन में आएगा कि ठीक है जी सिग्मा स्टार है तो इनफाइनाइट सेट नाउ इट इज काउंटेबली इनफाइनाइट और अनकाउंटेबली इनफाइनाइट थोड़ा सा सोच के मेरे को जवाब दो ठीक है देखो जैसे मैंने लिखा है ना ये देखो इस ऑर्डरिंग को हम लोग बोलते हैं प्रॉपर ऑर्डरिंग ठीक है क्योंकि मैं लेंथ वाइज चला हूं मतलब पहले लेंथ जीरो लिख लिए फिर लेंथ वन के जो दो स्ट्रिंग थे वो लिख लिए फिर लेंथ दो के जो चार स्ट्रिंग थे मैंने वो लिख लिए फिर लेंथ थ्री के जो एट स्ट्रिंग्स बनेंगे वो लिखूंगा एंड सोने से चलता रहूंगा तो मतलब देखो मैंने ये जो लिखे हैं ये लिखा है मैंने प्रॉपर ऑर्डरिंग में ठीक है प्रॉपर ऑर्डरिंग का मतलब क्या होता है प्रॉपर ऑर्डरिंग का मतलब है कि हम लोग लेंथ वाइज चलेंगे ठीक है लेंथ वाइज हम लोग चलेंगे और उसके बाद जब हम एक लेंथ पे आ जाएंगे ना जैसे हम लोग से थ्री लेंथ की बात कर रहे हैं तो उसमें फिर हम लोग लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग यूज करेंगे लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग या डिक्शनरी ऑर्डरिंग एंड सॉन आप ऐसे सो सकते हो ठीक है तो रफली हम इसको लेक्सिकोग्राफिक इस को जो मैंने लिख के दिखाई है इसको हम लेक्सिकोग्राफिक कह सकते हैं लेकिन वही बात है वो थोड़ा रफ बात हो जाएगा एग्जैक्ट है जी प्रॉपर ऑर्डरिंग इसको हमें बोलना चाहिए प्रॉपर ऑर्डरिंग लेक्सिक प्योर लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग इसको क्यों नहीं कह रहा हूं क्योंकि देखो प्योर लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग में क्या होता है कि ए वाले जितने भी स्ट्रिंग्स होते हैं वो सारे पहले आते हैं और उसके बाद सारे बी वाले स्ट्रिंग्स आते हैं तो मतलब ए डबल ए ट्रिपल ए फोर ए फाइव ए सिक्स ए सेवन एंड सॉन सारे के सारे ए वाले सारे स्ट्रिंग आ जाते हैं उसके बाद फिर मैं बी वाले स्ट्रिंग शुरू करता एंड सॉन ठीक है तो फिर वही बात है वो थोड़ा सा अजीब हो जाता तो वो होता हमारा एक्चुअल लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग लेकिन हम लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग लेंथ वाइज चला रहे हैं तो प्लीज ध्यान रखना लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग लेंथ वाइज इज नोन एज प्रॉपर ऑर्डरिंग ठीक है लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग लेंथ वाइज तो मैं तीन लेंथ की जो जितने भी स्ट्रिंग्स लिखूंगा उनको लेक्सिकोग्राफिक लेक्सिकोगिकॉर्डिंग में लिखूंगा मतलब ट्रिपल ए पहले आएगा फिर डबल ए बी आएगा फिर ए बी आएगा फिर ए बी बी आएगा एंड लेक्सोग्राफिकंग डिक्शनरी ऑर्डरिंग आई थिंक पता होगा जैसे डिक्शनरी में वर्ड्स अरेंज होते हैं बिल्कुल वैसे ही हम कह रहे हैं यहाँ पे ठीक है तो लेंथ को प्रायोरिटी देनी है पहले लेंथ वाइज चलना है उसके बाद फिर एक लेंथ पे जैसे आपने फिक्स कर ली से फाइव लेंथ फिक्स कर ली तो पांच लेंथ के जितने भी स्ट्रिंग्स लिख रहे हो उसमें आपको लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग यूज करनी होती है ये होता है जी प्रॉपर ऑर्डरिंग ठीक है ये इ, इस ऑर्डरिंग से लोग इतने ज्यादा इंप्रेस हुए थे इसका नाम ही प्रॉपर ऑर्डरिंग रख दिया गया समझ हो तो इस तरह की ऑर्डरिंग लेंथ वाइज हम चल रहे हैं और फिर एक पर्टिकुलर लेंथ पे आकर के लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग यूज करना तो इसको इस ऑर्डरिंग पे लोग इतने ज्यादा खुश हो गए थे कि इसका नाम ही प्रॉपर ऑर्डरिंग रख दिया गया ठीक है अब इससे खुश क्यों थे अभी मैं आपको दो मिनट में समझाऊंगा वैसे आपको आई थिंक अगर आपने मेरे मैथमेटिक्स वाले लेक्चर देख रखे हैं प्रीवियस जो लेक्चर बनाए थे मैंने काउंटेबल अनकाउंटेबल आपने वो देख रखे हैं तो आपको लॉजिक क्लियर होगा कि मैं ये सब कहानियां क्यों कर रहा हूँ है ना आई थिंक आपने बिल्कुल ठीक समझा है मैं इसको काउंटेबली इन्फाइनाइट प्रूव करने के लिए ये कहानी मैं आपके साथ कर रहा हूँ ठीक है तो मैंने सिग्मा स्टार को प्रॉपर ऑर्डर में लिखा है और प्रॉपर ऑर्डर में लिखते ही मैं इस बात को आराम से बोल दूंगा कि हमारे पास जो सिग्मा स्टार है दैट इज काउंटेबली इन्फाइनाइट ठीक है वाई इट इज काउंटेबली इनफानाइट देखो वाइट इज काउंटेबल इन्फाइनाइट ये चीज आपको समझ में आ रही होगी बहुत आराम से ये देखो जैसे अगर मैं आपको इसको वही बात है काउंटेबल इन्फाइनाइट प्रूव करने के लिए एक तो है कि वन टू वन कॉरस्पॉन्डेंस दिखा दू मैं वन टू थ्री फोर डॉट 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 नेचुरल नंबर्स के साथ इनकी नल ए बी डबल ए ए बी बी ए बी बी डॉट 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 तो नल को वन से लिंक कर देना टू को ए से लिंक कर देना

तो लेंथ लेंथ से पहले मतलब अप के स्ट्रिंग मैंने सारे पार किए होंगे और वो सारे, सारे होंगे तो कितने होंगे ये छोटे छोटे कमेंट और इसके क्वेश्चंस हैं। गेट एग्जाम में आ सकते हैं अप टू एट इसलिए मैं आपको पूरी डिटेल में स्ट्रिंग्स फ्रॉम सिग्मा ए बी है ना टू एट लेंथ स्ट्रिंग्स फ्रॉम सिग्मा ए इज इक्वल टू सिगमा इज इक्वल टू ए बी है ना तो मतलब बाइनरी स्ट्रिंग्स हम देख रहे हैं कि सबसे रफली में बोलूंगा तो बाइनरी बोल रहा हूँ वैसे जीरो वन को बोलना चाहिए थी, बट ठीक है दो दो है इसलिए हम लोग ए बी को बाइनरी रफली बोल सकते हैं ठीक है जी फ्रॉम ए कोमा बी बताओ कितने होंगे बहुत सिंपल बात है अभी है ना तो पहले तो लेंथ जीरो का एक स्ट्रिंग होगा है ना लेंथ मतलब टू पावर जीरो बोल सकता हूं मैं उसको लेंथ वन के दो स्ट्रिंग मतलब होंगे मतलब ड़ टू पावर वन लेंथ दो के टू पावर टू होंगे लेंथ के पावर थ्री होंगे डॉट 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 अप टू पावर ठीक है इन सबको ऐड कर दूंगा ये मैंने बहुत जल्दी लिखा है भाई आप कौन से समझ पा रहे होंगे अगर आपको तीन लेंथ स्ट्रिंग चाहिए तो यहाँ पे भी दो पॉसिबिलिटिया ए या भी यहाँ पे भी दो पॉसिबिलिटी ए या भी और यहाँ पे भी दो पॉसिबिलिटी ए या भी तो दो इंटू दो इंटू दो ठीक है तो आई थिंक ये सब चीजें आपको समझ में आ रही होंगे मैं ढंग से लिख देता हूँ भाई आपको दिक्कत महसूस नहीं होनी चाहिए टू इंटू टू इंटू टू है ना तो सभी ही दो 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 I think में आ रहा सबको टू पावर थ्री है ना दो दो नहीं में आ रहा तो प्लीज मैं यहाँ पे ज्यादा रिपीट नहीं करूँगा कर बोलूंगा ठीक है जी तो टू पावर जीरो टू पार एनस और टू, टू पावर एट तो ये कितना आ जाएगा जी ये तो जीबी बन गया टू पावर नाइन माइनस वन टू पावर नाइन माइनस मतलब पांच सौ ग्यारह बस इस हद तक मैं आपको समझा चुका हूँ तो 511 स्ट्रिंग होंगे इससे पहले ये नाइन स्ट्रिंग है ठीक है और एक एक स्टेप में अगर एक एक स्ट्रिंग को मैं प्रिंट कर दो तो पांच सौ ग्यारह स्टेप में मैं अप टू एट लेकिन सारे कवर अप कर चुका हूं फिर आप जब नाइन लेंथ पे ले तो फिर ऑब्वियस ही बात है नाइन लेंथ के टोटल स्ट्रिंग्स कितने बनेंगे जी टू पर नाइन मतलब पांच सौ बारह तो पांच सौ बारह में से उसी में से कोई स्ट्रिंग होगा ठीक है तो आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ टाइम तो में मैं हर एक स्ट्रिंग तक पहुंच पा रहा हूँ सेट तो है, जो है, सिग्मा स्टार, infinite, है? और देखना, तो तरीका मैं ये भी कह सकता था वही जैसे मैं आपको हमेशा समझाता रहता हूँ इनफाइनाइट आया ले लो उसमें सबसे पहले स्टोर कराना नल फिर ए फिर बी फिर डबल ए ए बी बी ए बी बीना ट्रिपल ए डॉट 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 ऐसे चलते रहेंगे हम लोग ठीक है और ये सब चीजें मैं बता चुका हूँ वैसे आप लोगों का है ना प्लीज अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे एक काउंटेबल इन अनकाउंटेबल सेट्स के जो प्रीवियस दो वीडियोस बनाए वहाँ वो देख सकते हो आप लोग मैंने सारा अच्छे से समझा रखा इनफैक्ट प्रॉपर्टीज ऑफ आरई सी एंड आर लैंग्वेज ये जब वीडियो मैंने बनाया था वहां पर मैंने ये सब डिस्कस किया था आपके साथ ठीक है जी तो ये जीरो हो गया ये वन हो गया टू हो गया थ्री हो गया ये फोर हो गए फाइव या चलो जीरो से नहीं शुरू करना तो वन से शुरू कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता जीरो सिंगल एलिमेंट से खास पड़ने वाला हमारे को काउंटेबल अनकाउंटेबल तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं ये सारी है ना इनफाइनाइट नंबर से हम लिंक कर रहे हैं मतलब डील कर रहे हैं इनफाइनाइट नंबर से बीच में एक आधे नंबर से कोई खास फर्क नहीं पड़ता ठीक है समझ पा रहे हो गई है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सोन से हम चलते रहेंगे तो अब आप कोई भी स्टिंग दोगे ना मैं बोलूंगा उसका इंडक्स फाइनाइट होगा

एक एक पहुंचा हाँ लेकिन अगर मैंने प्योर लेक्सोग्राफिक तो फिर वो इन्यमेशन प्रोसीजर ना हो पाता है ना क्यों क्योंकि फिर पहले, नल आता फिर ए डबल ए ट्रिपल ए फोर ए फ उसके बाद बी से सारे स्ट्रिंग शुरू होते तो बी ओनली सिंगल बी तक पहुंचने में ही हमारी ऐसे मतलब हम नहीं पहुंच पाते यहाँ तक ठीक है हम ऐसे बिल्कुल भी ना पहुंच पाते बी तक क्यों ना पहुंच पाते क्योंकि बी तक पहुंचने के लिए हमारे को पहले सारे इन्फाइनेट स्ट्रिंग पार करके आने पड़ते तो डायरेक्टली ड्रेकली मैं ये कहना चाहता हूं कि एरे में देखेंगे तो बी का इंडेक्स इन्फानेट के आसपास आएगा और वो मैं चाहता नहीं कभी भी है ना वन टू वन कॉस्पॉन्ड भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ तो बी तक हम कैसे दिखाएंगे किससे मैपो है वो हमारे को नहीं पता लगेगा आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको मैं क्या की कोशिश कर रहा हूँ तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना भाई सो so, uh, सिग्मा तो प्योर ऑर्डरिंग से बात नहीं बनने वाली हम लोग प्रॉपर ऑर्डरिंग यूज करेंगे या फिर अच्छे ऐसे ही बोल सकते थे कि लेक्सिकोग्राफिक लेंथ वाइज लेक्सोग्राफिक ऑर्डर लेंथ वाइज हम यूज करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे ठीक है तो मतलब हमारे पास इन प्रोसीजर आ चुका है कहां पहुंच जाएंगे भाई किसी भी स्ट्रिंग पे फाइनेट अमाउंट ऑफ टाइम में ठीक है आई थिंक समझ में आ होगा सबको आ जाओ पीछे फटाफट से तो हमने ये देखो प्रूव कर दिया आपको सिग्मा इज ए बी तो सिग्मा स्टार इज उंटेबल मैं आपको ये कर चुका हूं। अच्छा, अब आप हूं ये समझाओ। आप देखो थर्ड पॉइंट करना है बिल्कुल वो, वो कर कर बेसिक सी बात ही। ये तो आई थिंक अगर मैं ना भी बताता तो भी आई थिंक काफी सारे स्टूडेंट्स इस बात को पकड़ चुके होंगे है ना चलो ठीक है मैं नीचे आ रहा हूं कर लिया नोट डाउन हाँ जी लो भाई अब एक बार जरा मुझे समझाओ सिग्मा स्टार मैंने अभी आपको क्या प्रूव कराया भाई काउंटेबली इन्फाइट है क्योंकि क्योंकि इसके लिए इनमिनेशन प्रोसीजर है तो अब आप जरा मुझे ये समझाओ टू पावर काउंटेबली इन्फाइट वाज अनकाउंटेबली इन्फाइना कहां से समझ में आती थी ये बात हमारे को थ्योरम नहीं पता आपको थ्योरम क्या है एंड ऑन तो प्लीज मेरा प्रीवियस लेक्चर चेक करो मैंने आपको अभी भी जब लेक्चर स्टार्ट करता वहीं वहीं समझाया था कि जो मैंने जो पहले मैथमेटिक्स के ना, Countable, -Countable की, वो बिल्कुल बेस थे अगर वो लेक्चर्स क्लियर हैं तो ये आज का आपको ढंग से समझ आएगा इम्बाइव कर पाओगे अंदर तो फंस जाओगे आपको समझ नहीं आएंगे तो बहुत दिक्कत होगी इसलिए आप पहले प्रीवियस दोनों के दोनों वीडियो ढंग से देख के आओ ठीक है हाँ जी तो टू सी विल बी थ्योरम ने चीज समझा रखी हमारे टू पावर सिग्मा स्टार दैट विल ऑब्वियसली अनकाउंटेबली इनफाइनाइट ठीक है ये कंसेप्ट मैं कहाँ से निकाल के ला रहा हूँ कैंटर थ्योरम से निकाल के ला रहा हूँ तो इसका मतलब टू पावर सिग्मा स्टार इज यूसीआई इससे क्या समझ में आया आपको 2 पावर सिग्मा स्टार होता क्या था भाई सेट ऑफ ऑल subsets ऑफ़ सिग्मा स्टार, यही हुआ ना भाई? Two, भाई two power s क्या होता था भाई two power s क्या होता था set of all subsets of s power set. तो वही चीज है set of all subsets of sigma star अब set of all subsets of हर एक subset each subset of sigma star क्या होता था भाई याद करो है ना

उंटेबली इन फाइनाइट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से चीजों का प्लीज बहुत ध्यान रखना सेट ऑफ ऑल लैंग्वेज इज ना सिक्मा स्टार एंड दैट इज नथिंग बट अनकाउंटेबली इनफाइनाइट तो जितनी भी लैंग्वेजेस बन सकती है ना सिग्मा स्टार पे दैट इज अनकाउंटेबली इनफाइनाइट ठीक है अब आओ हाँ पीछे अब देखो मैंने जो पॉइंट्स लिखे हैं मैं आपको पढ़ाता हूँ ठीक तो, है तो सेट ऑफ देखो पर सिग्मा है देख लिया ये सब पॉइंट्स मैंने इसलिए लिखे हैं ताकि हम बिल्कुल भटके सीक्वेंस में मैं आपको समझाना चाहता हूँ सीक्वेंस अगर मैंने बिगाड़ दी ना तो बहुत फंस जाओगे आप लोग फिर आपको दिक्कत आएगी पढ़ने में तो मैं मैं नहीं चाहता कि मैं सीक्वेंस को बिगाड़ू और इधर कुछ करूं तो दिक्कत हो जाएगी इसलिए प्रॉपर सीक्वेंस मैंने पहले पॉइंट्स लिख दिया इनको पढ़ पढ़ के मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा फायदा ये होगा कि एक प्रॉपर सीक्वेंस में अगर आपने चीजों को समझा तो लाइफ टाइम आपके

कि सेट ऑफ ऑल ट्यूरिंग मशीन इज काउंटेबली इनफाइनाइट अगर किसी तरीके से मैं आपको ये प्रूव करके आ गया तो मेरा लगभग काम खत्म हो जाएगा तो मैं क्या बोलूंगा मैं ये बोलूंगा कि ट्यूरिंग मशीन तो इतनी है लेकिन लैंग्वेजेस इतनी सारी हैं तो एक एक ट्यूरिंग मशीन किसी किसी हर एक लैंग्वेज के लिए एक एक ट्यूरिंग मशीन हम बनाने की कोशिश करेंगे ठीक है तो मतलब ऐसे समझ लो रफली मैं इतना कहूंगा कि ये इतनी सारी ऐसी बहुत सारी लैंग्वेजेस रह जाएंगी जो कि ट्यूरिंग मशीन से एक्सेप्ट नहीं होंगी और उन लैंग्वेज को हम क्या बोल देंगे जी नॉन आरियन लैंग्वेजेस क्योंकि ट्यूरिंग मशीन से क्या लिंक होती है जी

वो मैं अभी आपको प्रूव करता हूँ देखो नेक्स्ट स्लाइड पे आओ देखो मैंने लिखा हुआ है हम ना हर एक ट्यूरिंग मशीन की एक बाइनरी एनकोडिंग कर सकते हैं बाइनरी एनकोडिंग का मतलब क्या होता है जैसे जो भी आप ट्यूरिंग मशीन मेरे को दोगे ना मैं उसको एक यूनिक बाइनरी नंबर से रिप्रेजेंट करा सकता हूँ कैसे कराता हूं मैं अब आपको समझाता हूँ सपोज करो ये वे है एक वे मैं आपको दिखा रहा हूँ मैं उलमान की बुक से आपको पढ़ा रहा हूँ ठीक है उलमान की बुक में जो वे दिया हुआ है मैं वो आपको दिखा रहा हूँ बाकी बुक में इस बुक में भी लिखा है और काफी अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके हैं बाजरी एन कोडिंग करने के लेकिन जो इन्होंने दिखाया मैं वो आपको तरीका समझा रहा हूँ देखो तरीका क्या है बाजरी एन कोडिंग ट्रिपल वन से शुरू होगी ट्रिपल वन से खत्म होगी और बीच में हमारे पास से पहला मूव आएगा जो भी हमारे को मूव लिखना होगा उसके बाद फिर डबल वन आएगा फिर फिर मूव टू लिखेंगे फिर फिर डबल वन लिखेंगे मूव थ्री लिखेंगे डबल फिर डबल वन लिखेंगे डॉट डॉट डॉ डॉट अप टू मूव एन जो भी हमारे पास मूव एन होगा वो लिखेंगे ठीक है तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा इस तरह से लिखना है मूव वन का मतलब क्या है मूव वन जैसे ये जैसे सपोज करो डेल्टा q नॉट कॉमा a दैट इज इक्वल टू क्यू वन कॉमा b कॉमा r ठीक है ये एक मूव है तो मैं इसकी बाइनरी एनकोडिंग अब आपको करके दिखाता हूँ देखो कैसे लिखी जाएगी q नॉट को हम लोग एक जीरो से रिप्रेजेंट करा देंगे ठीक है उसके बाद फिर एक वन लिखेंगे a को हम लोग से जीरो से रिप्रेजेंट करा देते हैं फिर एक वन लिखेंगे क्यू वन के लिए हम लोग दो जीरो लिख लेते हैं फिर एक वन लिख देंगे बी के लिए क्या लिखेंगे सपोज कर लो दो जीरो और लेफ्ट और राइट दो चीजें थी ना तो हम राइट के लिए से दो जीरो लिख लेते हैं ठीक है तो जो वन है ये वन एज ए सेपरेटर एक्ट कर रहा है तो एक बात ये ध्यान रखना भाई ट्रिपल वन से शुरू ट्रिपल वन से एंड फिर एक मूव लिखने के बाद फिर दो वन फिर अगला मूव लिखने के बाद दो वन दो वन एंड सोन तो ये जो दो दो वन लिखेंगे, वो भी है। और बीच में हम लोग सेपरेटर एज ए वन ही लेके चल रहे हैं मतलब पहले क्यू नोट लिखा फिर कॉमा कॉमा को ऐसे समझ लो वन है वो ठीक है उसके बाद फिर ए लिखा तो ए रिप्रेजेंटेड बाई जीरो अच्छा ऐसे ही अगर सपोज कर लो मूव टू होता हमारे पास से क्यू टू कॉमा बी है ना डेल्टा क्यू टू कॉमा बी टू से क्यू थ्री कॉमा ए कॉमा एल ठीक है तो ऐसे कुछ मूव होता तो हम कैसे लिखते भाई तो पहले हम ये देखो ये ऐसे समझ समझता हूँ आपको ऐसे समझाता हूँ ट्रिपल वन लिख लिया उसके बाद ये एक मूव आ गया उसके बाद फिर दो वन आ गए उसके बाद फिर अब ये मूव लिखना है मेरे को तो मैं ये मूव लिखता हूँ सपोज कर लो क्यू टू है ना तो क्यू टू को मैं लिखूंगा अब से क्यू नोट के लिए मैंने एक जीरो लिया था Q1 के लिए मैंने दो जीरो ले ले तो लिए मैं तीन ले 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 हूं। फिर थे मैं चार जीरो लिखूंगा फिर वन फिर ए के लिए मैंने एक जीरो लिया हुआ था राइट के लिए मैंने दो जीरो लिए थे तो लेफ्ट के लिए मैं एक जीरो ले लूंगा ठीक है अब सुपोज कलो सिर्फ यही दो मूवी थे हमारे पास उसमें हम ट्रिपल वन लगा करके छोड़ देंगे तो ये होगी जी एक एनकोडिंग बाइन लाइन कोडिंग होगी किसी ट्यूरिंग मशीन की रफली मैंने समझाया आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा तो मैंने यहाँ पे यूज किया कि आप समझ पा रहे हो यहाँ पे यूज किया मैंने क्यू नोट को लिखा है जी सिंगल जीरो क्यू वन को लिखा है जी डबल जीरो क्यू टू को मैं लिखूंगा जी तीन जीरो क्यू थ्री को मैं लिखूंगा जी चार जीरो डॉट डॉट डौ, डो डॉट ऐसे स्टेट्स के लिए ऐसे कर रहा हूँ मैं अच्छा ए के लिए मैंने लिया है जीरो बी के लिए लिया है मैंने दो जीरो है ना अगर कोई और सी होगा हमारे पास तो उसके लिए तीन जीरो ले, ले, ले लेंगे डॉट 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 ऐसे चलते रहेंगे हम लोग ठीक है अच्छा जी उसके बाद फिर ये देखो क्यूनों बी हो गया अच्छा राइट राइट और लेफ्ट है ना तो राइट के लिए मैं ले रहा हूँ जीरो और लेफ्ट के लिए मैं ले रहा हूँ डबल जीरो ठीक है और वन हमारा यूज हो गया ऐसे सेपरेटर ठीक है तो वो वन वन से सेपरेट कर दिया जाऊंगा है ना विद इन मूव विद इन अ मूव सिंगल वन से एज ए सेपरेटर होगा और बिटवीन द मूव दो वन होगा एज ए सेपरेटर ठीक है और फिर बाइनरी एनकोडिंग स्टार्ट किसे होगी ट्रिपल वन से और एंड किसे होगी ट्रिपल वन से ठीक है आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको मैं क्या क्या की कोशिश कर रहा हूँ तो जैसे ट्रिपल वन पढ़ा तो इमीडिएटली दिमाग में घंटी बजेगी हाँ जी बाकी कोडिंग शुरू हो गई है और उसके बाद जब दोबारा ट्रिपल वन पढ़ा तो इमीडिएटली हम बोल देंगे की यहाँ पे हमारी कोडिंग खत्म हो रही है एक ट्रिडिंग मशीन की कोडिंग खत्म हो रही है ठीक है अच्छा और बीच में जो कुछ हमने आई थिंक काफी बार मैंने बोल दिया आपको समझ में आ गया होगा ठीक है तो अब कैसे भी ट्यूरिंग मशीन आएगी अब आप सोचो ट्यूरिंग मशीन है क्या मूव ही तो थे तो जैसे भी आप मूव्स लिखोगे उसको मैं बाइनरी नंबर दे सकता हूं इतनी बात समझ में आई अब बाइनरी कोडिंग का फायदा देखो ठीक है वी कारण समझो मतलब एडवांटेज बोलो या वाई की बजाय मैं एडवांटेज बोलता हूँ ठीक है अभी मिनट बाद आएंगे इसकी एडवांटेज समझो क्या हुई इससे मेरे को क्या मिला इतना ब्यूटीफुल पॉइंट मिला है कि आपको देख के हैरानी हो जाएगी यहाँ पे मैंने पता है क्या किया है मैंने इनफाइनाइट बाइनरी स्ट्रिंग्स को ना इनफाइनाइट बाइनरी स्ट्रिंग्स को मैंने एक बाइनरी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया है वन बाइनरी स्ट्रिंग इतनी ब्यूटीफुल बात है समझ रहे हो जैसे सुपोज कर लो जीरो जीरो प्लस वन का होल स्टार

सेट ऑफ़ ऑल एनकोडेड इन इन बाइनरी बाइनरी। फॉर्म, जितनी भी दुनिया की ट्यूरिंग मशीन है उन सब की मैंने बाइनरी एनकोडिंग करके रख ली और क्योंकि वो एक सेट ऑफ स्ट्रिंग्स ही होगा तो उसको मैंने लैंग्वेज एल बोल दिया इतनी बात पकड़ में आई अब आपको पता है जो भी बाइनरी स्ट्रिंग की कोई भी लैंग्वेज में बनाऊंगा ले 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 की लैंग्वेज सोचोगे बी सबसेट ऑफ सिग्मा स्टार है कि नहीं अच्छा जी अब मेरा लगभग काम खत्म है अब मैं आपको क्या बोलूंगा सिग्मा स्टार में अभी आपको थोड़ी देर पहले प्रूव करके काउंटेबल इनफाइनाइट है

ठीक है तो अब हमारे को इतना पता लग गया कि ये काउंटेबली इनफाइनाइट है तो L विल बी विलउंटेबल इतना तो पता है और साथ साथ हमारे को ये भी पता है कि ये इनफाइनाइट है तो इसलिए मैंने फिर ढंग से बोल दिया कि इट इज इनफाइनाइट बस अब अगर ये लैंग्वेज हमारी काउंटेबली इनफाइनाइट है और ये लैंग्वेज की आती हुई सेट ऑफ ऑल्ड एंड बाइनरी एनकोडिंग ऑफ ट्यूरिंग मशीन यू कैन से सेट ऑफ सेल्ड ट्यूरिंग मशीन तो बस डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं अब आप आपके सामने क्या प्रूव कर गया सेट ऑफ ऑल ट्यूरिंग मशीन विल बी काउंटेबली इनफाइनाइट ये क्वेश्चन से बहुत प्यार है गेट एग्जाम को बहुत बार आया है मुझे नहीं पता क्या लगाव है लेकिन बहुत बार पूछा हुआ है और आपको समझ में आ रहा होगा लगाव या इतना प्यार क्यों है इस क्वेश्चन से टीओसी तो के प्रोफेसर को जो गेट एग्जाम लिख रहे बना रहे हैं उनको इसे क्यों लगाव है क्योंकि यही से हमारी प्रॉपर नींव रखी जाएगी डिसाइडेबिलिटी अनडिसाइडेबिलिटी की ठीक है तो सेट ऑफ ऑल ट्यूरिंग मशीन इज काउंटेबली इनफाइनाइट या यू कैन से अगर सिंपल रफली बोल रहे हैं तो ऐसे बोलो सेट ऑफ ऑल ट्यूरिंग मशीन इज काउंटेबल

जितनी आरी लैंग्वेजेस होंगी उतनी हमारी ट्यूरिंग मशीन होंगी इतनी बात पकड़ में आई जितनी आ रही उतनी ट्यूरिंग मशीन और ट्यूरिंग मशीन हम अभी प्रूव करके आएगी काउंटेबल इंफानाइट है तो पक्की बात है आरी लैंग्वेजेस कितनी होंगी काउंटेबल इंफानाइट होंगी ठीक है अब बस आप देखो रेगुलर रेगुलर के ऊपर हमारी क्या आएगी जी सी एफ डी सी एफ एल डी सी एफ एल से ऊपर क्या आएगी जी थे है। थे है। बस, सी एफ एल सी एफ एल से ऊपर हमारे पास क्या आएगी जी सी एस एल सी एस एल से ऊपर हमारे पास क्या आएगा अच्छा मैं एक बार इसको थोड़ा तो नीचे कर देता हूं ठीक है हाँ तो सी एस सी एस एल से ऊपर हमारे पास क्या आएगा जी आर ई सी और उससे ऊपर हमारे पास क्या आएगा जी आर मैं भी आपको प्रूव करके आ गया कि आरई हमारी उ काउंटेबली इनफाइनाइट पक्की बात है infinite, CSL, CFL, DCFL, regular, सारी के सारी काउंटेबली इनफाइनाइट आ जाएंगे इतने सारे क्वेश्चन झटके में सॉल्व हो गए अच्छा, अब लैंग्वेज केउंटेबल मतलब है नाट ऑफ ऑल होल्टिंग ट्रूलिंग मशीन इज काउंटेबल सेट ऑफ ऑल एलबीए इज काउंटेबल सी एस एल के था सी एफ एल के था पीडीए तो भी काउंटेबल होगा डीसीएफएल के डी था वो भी काउंटेबल रेगुलर के FA था वो भी काउंटेबल सब सब कुछ काउंटेबल बनता चला जा रहा है एक एक स्टेटमेंट देने से कितने तरह के क्वेश्चन इस बात को समझ पा रहे हो कि नहीं ठीक है अब बात हम घुमा तो फिरा के क्वेश्चन आएगा रेगुलर तो आपको पता लगेगा कि काउंटेबल है नॉन रेगुलर नॉन रेगुलर क्या होगा भाई फिर वही बात है नॉन रेगुलर का मतलब डीसीएफएल सी एफ एल सी एस एल आर सी आर और उससे ऊपर जो हमारे पास सेट है नॉन आरी वहां तक आप पहुंचने लग जाओगे ठीक है नॉन आ तक पहुंचने लग जाओगे ठीक है तो फिर वही बात है फिर अब हमारे को फिर ये पता लगाना पड़ेगा कि नॉन आरी कैसा है वैसे आई थिंक आप लोग गैस कर गए हो अगर आपने मेरे वही जो पीछे वाले दो लेक्चर समझे हैं ढंग से समझे हैं तो आपको इतना अंदाजा तो हो चुका होगा है ना आप अपने आप से गैस कर पा रहे हो गे पॉज करके अपने आपसे कोशिश करो गैस करने की फिर मैं आपको अपना आंसर दूंगा देखो सीधी सी बात है भाई टू पावर सिग्मा स्टार ये 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 पूरा एंटायर सेट इज वो पावर सिग्मा स्टार और नॉन आरी क्या है इतना पार्ट नॉन आरी है ठीक है ये जो हमने बता दिया ये नॉन आरी है ठीक मतलब हाँ तो है जी, सिग्मा स्टार, सिग्मा स्टार, ये क्या है भाई आरी यूनियन नोनारी मैं इतना क्या के भाग सकता हूँ क्या नहीं आरी यूनियन नोनारी नथिंग ना बट टू पावर सिग्मा स्टार अच्छा जी आरी आपको पता है क्या जी काउंटेबली इनफाइनाइट है तो यूनियन क्या करूं कि हमारे और टू पर सिग्मा स्टार में अभी थोड़ी देर पहले प्रूव करके अनकाउंटेबल इनफाइनाइट है तो काउंटेबल इनफाइनाइट यूनियन क्या करूं कि अनकाउंटेबल इनफाइनाइट आ जाए ऑब्वियसली अनकाउंटेबल इनफाइनाइट तो इसका मतलब नॉन आरी का जो सेट होगा दैट इज अनकाउंटेबल इनफाइनाइट आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने ये आंसर कर लिया होगा अपने आप है ना कि क्योंकि आपका ब्रेन ब्रेन डेवलप हो चुका होगा जो आपने प्रीवियस दो लेक्चर्स देखे हैं वहां से आपका इतना दिन दिमाग चलने लग गया होगा और आप आई थिंक काफी हद तक तो करके हो ठीक है यही तो मजा है ना मतलब मेरे से पढ़ने का ये तो मजा है सब कुछ इंटी हो जाता है अपने आप से आपको चीजें गैस होने शुरू हो जाएंगी बट बेस स्ट्रांग करना बहुत जरूरी है अगर आपने पहले बेस स्ट्रॉन्ग किया है पिछले दो लेक्चर ढंग से देखे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए केक वॉक की तरह है फटाफट से आपका पार होता चला जाएगा क्योंकि वहीं से तो सारा कुछ निकल रहा है मैथमेटिक्स से तो सारा कुछ आ रहा है ठीक है है तो सबको, तो सबको नॉन आरी का जो सेट अनकाउंटेबली इनफाइनाइट ठीक है तो मतलब दिस वही बात दिस इज जस्ट लाइक योर वॉटर ठीक है तो नॉन आरी का सेट जस्ट लाइक अ वॉटर है और उससे पीछे तक मतलब आरी आरी सी ये सब क्या है डिस्क्रीट है ठीक है दिस आर जस्ट लाइक योर एप्पल्स ठीक है आई थिंक समझ में आ रहा हूँ सबको मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ अच्छा जी तो अब आओ आगे मैं कुछ क्वेश्चन का आंसर करता हूँ फिर इसी डिस्कशन पे अभी मेरे में और बहुत सारे पॉइंट्स आ रहे हैं मैं उनको भी डिस्कस करूंगा लेकिन पहले मैं आपके साथ कुछ की प्रैक्टिस करना चाहता हूँ आओ आगे आओ मैं आपको फटाफट क्वेश्चन दिखाता हूँ देखो शुरू हो जाओ फटाफट जो हमने अब तक सीखा है फटाफट से आंसर करते चले जाएंगे तो हमने ये चीज समझ ली कि टिल आर एवरीथिंग इज काउंटेबल हाँ जी सेट ऑफ ऑल टूरिंग मशीन काउंटेबली इनफाइनाइट सेट ऑफ ऑल होल्टिंग टूरिंग मशीन

बहुत बार आया

कार्डिनलिटी सेम का मतलब समझ पा रहे हो इसका मतलब जैसे देखो मैंने आपको बाइनरी टू मशीन की कराई है ना ऐसे ही बाइनरी ऐसी आप फाइनेट ऑटोमेटा की कर सकते हो पीडीए की कर सकते हो हर एक मशीन की कर सकते हो क्योंकि हर एक मशीन में है क्या? ही क्या तो मूव है और मूव को मैं बाइंद्रियन कोडिंग कर सकता हूँ तो बाइनरी एन कर सकता हूँ तो इसका मतलब मैं क्या कहूंगा अगर मैं आपको बोल दू कि सेट ऑफ ऑल सेट ऑफ ऑल फाइनेट ऑटोमेटा जितने भी बन सकते हैं उसकी कार्डिनलिटी बताओ उस सेट में जितने भी मतलब जितने भी फाइनेट ऑटोमेटा बन सकते हैं उ, उनका एक नंबर ले लो जितने पीडीए बन सकते हैं बात बड़ी अजीब लग रही होगी आपको लेकिन ये दोनों चीजें बराबर है ये मैं नहीं कह रहा मैथमेटिक्स कह रही है क्यों क्योंकि अगर दो काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है तो उनके बीच में वन टू वन कॉस्पॉन्डेंस जरूर बैठेगी है ना ये सब चीजें मैं आपको मैथमेटिक्स के लेक्चर्स में समझा के आया था जब हम सेट थ्योरी पढ़ रहे थे वहां मैंने आपके साथ डिस्कस किया था है ना टाइप्स ऑफ फंक्शन पार्ट थ्री ये वीडियो देखो टाइप्स ऑफ फंक्शन पार्ट थ्री उसमें मैंने आपको समझाया था कि कोई भी दो काउंटेबली इन्फाइन सेट उठा लो उनके बीच में वन टू वन कॉरस्पोडेंस हमारी बैठती बैठती है जैसे नेचुरल नंबर और इंटीजर्स का सेट दोनों में count, दोनों तो उनके बीच में वन टू वन कॉस्पोडेंस आई है तो कोई भी दो काउंटेबल इन्फाइन सेट उठाओ उनके बीच में वन टू वन कॉरस्पोडेंस आएगी वन टू वन कॉरस्पोडेंस आने का मतलब दोनों की कार्डिनलिटी सेम है नेचुरल नंबर आपको लगता होगा कि छोटा है आधा है और इंटीजर का सेट बहुत बड़ा है मतलब उससे डबल है क्योंकि पॉजिटिव है नेगेटिव भी है तो ऐसा कुछ नहीं है दोनों की कार्डिनलिटी सेम है ठीक है नो डाउट नेचुरल नंबर इज प्रॉपर सबसेट ऑफ इंटीजर्स बट स्टिल दोनों की कार्डिनलिटी एकदम सेम है मैंने जो प्रीवियस लेक्चर्स पढ़ा है ना आपको प्रीवियस दो लेक्चर देखो वहां पे मैंने सारी बातें बोल रखी हैं ऐसे ही आपको लगेगा कि पीडीए का सेट बहुत बड़ा है बट फाइनेट ऑटोमेटा का सेट तो बहुत छोटा होगा बट एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है दोनों की कार्डिनलिटी सेम है ठीक है आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको मैं क्या करने कर रहा हूँ दोनों की कार्डिनलिटी सेम है ठीक है इनफैक्ट सबकी अब कार्डिनलिटी सेम आ जाएगी पीडीए अब देखो एक ही ये बड़ा ब्यूटीफुल क्वेश्चन जो मैंने लिखा है ये अब तक आया नहीं है इस पर तारे बना लो गेट एग्जाम में आज नहीं तो कल जरूर आ जाएगा ठीक है इस पे तारे बना लो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल डीपीडीए दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल एनडीपीडीए एक क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में घूमता रहता है कि पीडी और एनडीपीडीए की पावर सेम नहीं होती तो इसका मतलब दोनों बराबर नहीं है बात दोनों है दोनों बराबर नहीं लेकिन नंबर की बात करोगे तो क्यों? तो है। है? बैठेगी दोनों में ठीक है अब वन टू वन कॉरस्पोंडेंस का मतलब बच्चे कई बार ये भी सोच के बैठ जाते हैं कि सेम होना वन टू वन कॉरसपॉन्डेंस का मतलब सेम नहीं होता भाई मतलब होता है कि जितना ये है उतना ये है बात समझ रहे हो अगर मैंने एक सेट ए से एक सेट बी पे वन टू वन कॉरस्पॉन्डेंस मैंने बिठा दी तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये एलिमेंट और ये एलिमेंट सेम है और ये एलिमेंट और ये एलिमेंट सेम है ऐसा कुछ नहीं है ये सिर्फ सिर्फ आपको आपको मैपिंग है है बता रहा है कि इनकी कार्डिनेलिटी सेम है ठीक है तो ये डाउट आता था जब मैं ऑप्शनल क्लास में पढ़ाता था बच्चों को आता था कि सर अगर आप कह रहे हो कि वन टू वन कॉस्पॉन्डेंस फाइनल में है तो इसका एफ और पीडीए तो दोनों सेम हो गए ऐसा नहीं होता भाई आप सब कुछ छोड़ो आप मेरे को इतना समझाओ जब मैंने अभी जो प्रीवियस लेक्चर आपको पढ़ाए थे है ना जो पीछे दो दो मैथमेटिक्स के मैंने लेक्चर बनाया उनमें आपने ये सब देखा होगा मैंने वन टू वन कॉरस्पोडेंस बिठा के भी दिखाई थी आपको नेचुरल नंबर में और के सेट सेट में ये नेचुरल का का इंटीचर केन माइनस वन टू माइनस टू ऐसे करके किया था ना तो वन को मैंने जीरो से लिंक किया था टू को मैंने वन से थ्री को मैंने माइनस वन ऐसे लिंक किया था उसका मतलब क्या हो गया वन और जीरो बराबर है वहां बकवास बात ऐसे थोड़ी होता है टू और वन बराबर है थ्री और माइनस वन बराबर है ऐसे थोड़ी होता है सेम थोड़ी होते हैं इसका मतलब वन टू दिखाने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये था कि नेचुरल नंबर की कार्डीनलिटी और इंटीजर की कार्डिनलिटी सेम है मतलब जितने दुनिया में नेचुरल नंबर होंगे उतने ही दुनिया में हमारे इंटीजर्स होंगे तो ऐसे में यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ जितने दुनिया में फाइनल ऑटोमेटा बनेंगे उतने ही हमारे पास पीढ़ी होंगे इसका मतलब ये नहीं है कि एफर पी डी दोनों बराबर होते हैं और यहाँ पे ये जो मैंने आपको दिखाया कि पीडीए डीपीडी NDPD और एनडीपीडीए बराबर होता है इसका मतलब ये नहीं है इसका मतलब सिंपली ये है कि जितने दुनिया में डीपीडीए बनेंगे उतने ही दुनिया में एनडीपीडीए बनेंगे ये पॉइंट बड़े रेयर है कहीं नहीं मिलेंगे आप कहीं किताबें छान लेना ठीक है लेकिन ये जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है गेट एग्जाम में आज नहीं तो कल जरूर पूछा जाएगा डीपीडीए एंड डीपीडी नॉट इक्वल नॉट इक्वल नॉट इक्वल ये बच्चों के दिमाग घूमता रहता है लेकिन ये जैसे क्वेश्चन आएगा सारे बच्चे मैं कहता हूं तो नाइन बच्चे इस क्वेश्चन को, को गलत करके आएंगे लेकिन जिसने मेरे वीडियो देख रखे होंगे वो इस क्वेश्चन को ठीक करके आएगा ठीक है? है नंबर तो बराबर है ना भाई ठीक है तो प्लीज ये दिमाग में रखना वन टू वन कॉस्पॉडेंस का मतलब सेम नहीं होता इसका मतलब होता है वन टू वन कॉस्पॉडेंस दिखाने का मतलब सिंपली ये होता है कि दोनों सेट्स की कार्डिनेलिटी सेम है बस और कुछ नहीं ठीक है तो जितनी दुनिया में टूरिंग मशीन बनेंगे उतने हमारे पास एफ ए बनेंगे उतने हमारे पास पीडीए बने बनेंगे, बनेंगे उतने हमारे पास एल बी ए बनेंगे ठीक है तो मैं लिखता चला जाता हूं पीडीए दैट विल बी इक्वल टू सेट ऑफ डीपीडीए ठीक है दैट विल बी इक्वल टू सेट ऑफ एल बी ए प्लीज डॉट 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 ये आप अपने आप इसको पूरा कर लेना आपको है ना आप तो, मैं इसमें टाइम पास नहीं करूंगा छोटा तो कर देता हूं आपको आराम आप से दिख जाएगा इसका इसका मतलब सिंपली क्या है दुनिया में जितने भी एफ ए बन सकते हैं ये कार्डिनलिटी दिखा रहा हूं ना मैं है ना तो दुनिया में जितने भी एफ ए बन सकते हैं so, आ रहा सबको ठीक है सब कुछ छोड़ो एक्सट्रीम की बात करो जितने एफ बनेंगे ना उतने ही हमारे पास ट्यूरिंग मशीन है बस एक्सट्रीम की मैंने बात ट्यूरिंग मशीन बिल्कुल ऊपर थी और एफ बिल्कुल नीचे था दोनों को मैंने बता दिया कि दोनों के नंबर बराबर है बस ठीक है तो so so, सबको हम यहाँ पे क्या करने कोशिश कर रहा हूँ ठीक है जी ओके okay जी तो ये बड़े ब्यूटीफुल पॉइंट्स हैं इनको माइंड में अच्छे से फिट करके रखना ठीक है जी, अच्छा उसके बाद आगे बढ़ जाओ मैं एक बार छोटा करके आराम से आपको टाइम दे दूंगा नॉन रेगुलर अच्छा, क्यों? कहने का मतलब क्या होगा नॉन रेगुलर कहने का मतलब डीसीएफएल सी एफ एल सी एस एल आर सी आरई और नॉन आरी बीच में घुसा जैसी नॉन आरी बीच में घुसा तो अनकाउंटेबली इनफाइनाइट बना देगा मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझा के आया हूं कि अनकाउंट अगर एक भी सेट अनकाउंटेबली हो गया यूनियन आप जो मर्जी सेट कराते चले जाना आंसर हमारा अनकाउंटेबली इन्फाइनाट ही आना है ठीक है अनकाउंटेबली इनफाइनाइट यूनियन कुछ भी करवा लो अनकाउंटेबली इन्फाइनाट ही आएगा है ना मतलब यूनियन मतलब कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बढ़ा रहे हो अनकाउंटेबली अनकाउंटेबलीट से ऊपर कहाँ जाओगे भाई नहीं बात बनने वाली ठीक है आई समझ में आ रहा होगा सबको मैं क्या करने कोशिश कर रहा हूँ ठीक है जी क्योंकि ये एक अनकाउंटेबल इन्फ्रेंड होगा तो यूनियन आपने काउंटेल इन्फाइनेट काउंटेबल इन्फाइट काउंटेबल इन्फ्रेंट काउंटेबल इन्फ्रेंट काउंटेबल इंफाइनाट ये कितने सेट जोड़ लिया आपने एक दो तीन चार पांच पांच सेट काउंटेबल इन्फाइन के लिए और एक अनकाउंटेबल इन्फाइन जोड़ लिया तो जैसे ही बीच में अनकाउंटेबल इंड घुसा तो हमारा फाइनल आंसर अनकाउंटेबल इन्फाइट आना ही आना है तो समझ में आ रहा होगा सबको मैं यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ ठीक है प्लीज बहुत ज्यादा ध्यान रखना इन सब चीजों का ठीक है जी उसके बाद सेट ऑफ ऑल नॉन अगेन अनकाउंटेबल इनफाइनाइट क्यों क्योंकि में नॉन आरी घुस चुकी है नॉन सी एफ एल अगेन अनकाउंटेबल इनफाइनाइट नॉन सी एस एल अगेन अनकाउंटेबली इनफाइनाइट नॉन आरईसी अगेन अनकाउंटेबली इनफाइनाइट और नॉन आरी ये मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ अनकाउंटेबली इनफाइनाइट ठीक है तो नॉन वाली बात जब भी आ जाएगी तो वो अनकाउंटेबली इनफाइनाइट की तरफ जंप हो जाएगा ठीक है तो प्लीज एक बात ये ध्यान रखना अपने माइंड में अच्छे से फिट करके रख लेना ठीक है ओके जी अच्छा और प्लीज एक बात ये भी ध्यान रखना कि कोई भी दो काउंटेबली इनफाइनाइट सेट दे दोगे उनके बीच में मैं वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस दिखा सकता हूँ इसलिए मैंने ये सब आपको बराबर कहा था अच्छा और एक बात ये भी ध्यान रखना कि काउंटेबली इन्फाइनाइट और अनकाउंटेबली इन्फाइनाइट इनके बीच में मैं सारी उम्र वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं दिखा सकता ठीक है तो नो no बाइजेक्शन अच्छा, और कोई भी दो अनकाउंटेबली नॉट पॉसिबल जैसे सपोज कर लो रियल नंबर का सेट है रियल नंबर और टू पावर रियल नंबर इनके भी ये भी अनकाउंटेबली इनफाइनाइट है और ये भी अनकाउंटेबली इनफाइनाइट है बट इनके बीच में वन टू वन कॉरिस्पॉन्डेंस नहीं दिखा सकता मैं कारण आप समझ पा रहे हो गया जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले प्रीवियस लेक्चर में आपको प्रूव करके दिखाया था वायग्नाशन के थ्रू आप प्रूव कर सकते हो क्योंकि ये क्या होगा ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ रियल नंबर का सेट दिस इज दिसकाउंटेबल इन्फेंट दिस इज ऑल्सो अनकाउंटल इन्फ्रेंट लेकिन इनके बीच में वन टू वन कॉस्पॉडस दिखा सकता तो मैं ऐसे कह सकता हूँ वन टू वन कॉस्पॉडेंस मैं दिखा सकता हूँ किस किस के बीच में ये चीज ध्यान रखना ये ये पॉइंट ना शायद मैंने मतलब मैं कुछ और तरीके से कहना चाहता लेकिन किसी स्टूडेंट ने कमेंट करके बताया था इसलिए मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया है जब मैं टाइप्स ऑफ फंक्शन पार्ट थ्री जो वीडियो मैंने बनाया था वहां पे मैंने बोला था कि दो अनकाउंटेबली सेट के बीच में हम बाइजेक्शन शो कर सकते हैं यस वी कैन शो लेकिन कोई भी दो पकड़ दो वो थोड़ा अलग हो जाएगा शायद मैंने यही बोल दिया था कि कोई भी दो कोई भी दो ऐसा नहीं होता क्योंकि उस टाइम पे मैंने एक्चुअली मैंनेशन आपको पढ़ाई नहीं थी तो वहां मैं ज्यादा बोल नहीं पाया था लेकिन अब मैं आराम से बोल पा रहा हूँ ये सब चीजें ठीक है समझ पा रहे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ एक्चुअली मेरे वहां पे कहने का मतलब ये था कि एग्जिस्ट कर सकती है ठीक है तो अनकाउंटेबली इन्फेनेट सेट दे दो दो उनके बीच में बाइजेक्शन शायद शो कर जाऊं दिस इज पॉसिबल लेकिन अनकाउंटेबली इनफाइनेट और एक काउंटेबली सेट मैंने दे दिया इनके बीच में मैं सारी उम्र बायजेक्शन शो नहीं कर सकता ठीक है तो आपको समरी में मैं इतना कहूंगा कि कोई भी दो काउंटेबली इन्फानेट सेट मेरे को दे दो मैं उनके बीच में बाइजेक्शन शो कर सकता हूँ अनकाउंटेबली इन्फाइनेट और एक काउंटेबली इन्फानेट सेट दे देना इनके बीच में मैं सारी उम्र बाइजेक्शन शो नहीं कर सकता अनकाउंटेबली इनफानेट और दूसरा अनकाउंटेबली जरूरी नहीं कि हर बार हुई हो ठीक तो है और काउंटेबली और बाइजेक्शन से आई थिंक आप समझ तो पा रहे हो इनमें हमेशा शो सकती है इनमें कभी भी शो नहीं हो सकती इनमें कभी हो सकती है और कभी नहीं भी हो सकती ठीक है आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ ठीक है जी ओके तो प्लीज ये सब ध्यान रखना आपको ठीक है जी अब आई थिंक मैंने काफी हद तक आपको नॉलेज दे दी है ठीक है तो ठीक है डेट सेट तो मैं इसको छोटा कर देता हूं अब आपको मैं टाइम दे देता हूँ आप आराम से इन सब चीजों को नोट no डाउन कर लो ठीक है मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे लिख दिए थे है ना बट स्टिल ये सब लिखना और लिस्टिंग करना बहुत जरूरी है आपके लिए भी क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो फिर आपको कंफ्यूजन नहीं करना किसी भी तरीके से ठीक है चलो फटाफट नोट डाउन करना शुरू करो ठीक है हाँ जी यहाँ तक कर लो सेट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ग्रामर्स इज नोट डाउन ठीक है यहाँ पे अभी दो मिनट बात कर लेना पहले ये इतना पार्ट कर लो नोट डाउन कर लिया ठीक है जी उसके बाद फिर ये जो बचा हुआ पार्ट था ये नोट डाउन कर लो आप लोग ठीक है कर लिया ठीक है अब आ जाओ इधर ये जो ये पार्ट था ये भी नोट डाउन कर लो ठीक है चलिए ओके ठीक है जी तो अब हम आते हैं पीछे और देखते हैं हम लोग कहाँ तक पहुंच गए हैं हाँ जी तो हमने ये प्रूव कर लिया सेट ऑफ ऑल नॉन आरी लैंग्वेजेस यूसीआई अच्छा उसके बाद बट ईच आरी लैंग्वेजेस

अगर मैं एक एक को पकड़ू एक एक नॉन आरी लैंग्वेज को पकड़ू मैं वो काउंटेबली इनफाइनाइट होगी ठीक है ईच नॉन ये बड़े रेयर पॉइंट्स हैं, भी कोई नहीं समझाएगा आपको ठीक है ईच नो ये आ सकता है अभी तक आया नहीं गेट है गेट एग्जाम में बट आने के चांसेस हैं, ईच नॉन आरी लैंग्वेज इज काउंटेबली इनफाइनाइट हंड्रेड परसेंट ये बात ठीक है कैसे प्रूव करूं अरे बहुत सिंपल सी बात है लैंग्वेज हो, आरी हो, कुछ भी हो है तो लैंग्वेज तो 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 फिर लैंग्वेज को तो काउंटेबली इनफाइनाइट होना पड़ेगा इसको कौन रोकेगा बात पकड़ में आई कि नहीं आई ठीक है तो प्लीज बहुत ज्यादा ध्यान रखना सिग्मा स्टार हमारा काउंटेबली इनफाइनाइट था तो इसलिए जो हमारा एल होगा

ठीक है और ये कैसी होती थी वन वे थ्योरम अगर नहीं देखा ये नहीं पता आपको तो चैप्टर वन के वीडियो देखो मेरे ट्यू में वहां से आपको समझ आ जाएगा वन वे थ्योरम मैंने आपको समझाई थी फाइनेट इंप्लाइज रेगुलर हाँ जी तो फिर वही बात आएगी भाई है ना फिर वो चार क्वेश्चन बनते थे इस पर और कॉन्ट्रपोजिटिव वर्जन क्या था भाई नॉट रेगुलर

आरी obviously बात है फिर आरी हो जाएगी है ना रेगुलर तो आरी तो 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 है 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 ही ना क्योंकि ये तो सारे सारे, सारे सब इसमें कोई टेंशन नहीं आनी चाहिए आपको ये सब चीजें आपके में से से फिट होनी चाहिए ठीक है हाँ जी तो मेन बात यहाँ पे आपको बस समझ में ये आनी चाहिए थी कि नॉन आरी लैंग्वेज बी काउंटेबली इनफानेट वो सब काउंटेबल है अनकाउंटेबल नहीं है

ठीक है आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ ठीक है जी तो देखो यही पॉइंट मैंने आगे लिखा हुआ था ठीक है ओके okay जी तो बट ईच नॉन आ ररी लैंग्वेजेस काउंटेबली इनफाइनाइट ठीक है अच्छा आगे के जो पॉइंट्स हैं वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करूंगा अभी थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो रहा है ठीक है थोड़ा बहुत ही रह गया ज्यादा नहीं रह गया तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये जो काउंटेबल अनकाउंटेबल वाली कहानी है सारी कंप्लीट कर देंगे और उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे ठीक है नेक्स्ट टॉपिक फिर आगे आगे स्टार्ट करेंगे ठीक okay, है ओके चलिए ठीक है थैंक यू सो मच ये सब जो पॉइंट थे आई थिंक आपने नोट no डाउन कर लिए होंगे है ना ये आई थिंक शायद मैंने टाइम नहीं दिया आपको नोट no डाउन करने का हाँ तो लो भाई इन सब को नोट डाउन कर लो बाकी फिर बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे ठीक है ओके थैंक यू सो मच बाय बाय